दुनिया के बड़े अमीरों में शुमार एलन मस्क की अंतरिक्ष कंपनी स्पेस एक्स को बड़ा झटका लगा है। कंपनी की गलती के कारण लॉन्च किए गए 20 स्टारलिंक उपग्रह अंतरिक्ष से पृथ्वी पर गिर गए हैं। फिलहाल पृथ्वी पर मंडरा रहा बड़ा खतरा टल गया है। पिछले हफ्ते एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने 20 सैटेलाइट लॉन्च किए थे, लेकिन ये सैटेलाइट गलत कक्षा में स्थापित हो गए थे, जिसके कारण ये सैटेलाइट अंतरिक्ष से पृथ्वी पर गिर गए हैं। ये सभी सैटेलाइट पृथ्वी के वायुमंडल के संपर्क में आने के बाद जलकर नष्ट हो गए हैं। अब स्पेस विशेषज्ञ घटना के कारणों की जांच में जुटे हुए हैं। बता दें कि एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स से सरकारी और निजी अंतरिक्ष मिशनों को अंजाम दिया जाता है। बीते 9 जुलाई को स्पेस एक्स ने कैलिफोर्निया के वांडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से फाल्कन 9 रॉकेट लॉन्च किया था। कंपनी का कहना है कि शुरू में इसका प्रक्षेपण उम्मीद के मुताबिक हुआ और रॉकेट का पहला चरण सैटेलाइट से लदे दूसरे चरण से सफलतापूर्वक अलग हो गया था, लेकिन दूसरा चरण तरल ऑक्सीजन रिसाव के कारण पूरा नहीं हो सका, जिससे ये पृथ्वी के चारों ओर एक निचली कक्षा में अटक गया। कंपनी ने अपने बयान में कहा है कि दूसरे चरण में आई परेशानी ने उपग्रहों को फंसा दिया है। सैटेलाइट हमारे ग्रह के चारों ओर एक अंडाकार कक्षा में फंस गए, जिसकी न्यूनतम ऊंचाई 135 किलोमीटर थी। ये ऊंचाई सैटेलाइट के सामान्य रूप से काम करने की दूरी से आधा है। इस ऊंचाई पर वायुमंडल प्रतिरोध ने उपग्रहों को धीमा कर दिया और वे प्रत्येक पूर्ण कक्षा में लगभग 5 किलोमीटर नीचे पृथ्वी पर वापस गिरने लगे। कंपनी ने दावा किया है कि उसने अधिकांश उपग्रहों पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया था। कक्षा के सबसे निचले बिंदु से रॉकेट को उठाने के लिए उनकी टीम द्वारा कोशिश की गई, लेकिन वे उस बिंदु पर आ चुके थे जहां से उन्हें ऊपर ले जाना संभव नहीं था। वहीं हार्वर्ड विश्वविद्यालय के खगोल वैज्ञानिक जोनाथन मैकडॉवेल ने भी घटना का अवलोकन किया, जिसमें उन्होंने सभी उपग्रहों के वायुमंडल में आने के बाद नष्ट होने की पुष्टि की है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।